आदि योगी बेंगलोर, देवादिदेव महादेव शिवा योग के भगवान, ये जगत संसार के प्रथम योगी आदि योगी योगेश्वर भगवान शिवा, जगदीश वासुदेव सदगुरु भगवान शिव जी के मोक्ष पाने का 112 उपाय योगी कथा ह्यूमन सिस्टम प्रमोट करने के लिए फास्ट 112 फीट आदि योगी शिवा स्टैचू 2018 तमिलनाडु कोयम्बेटूर में स्थापित किए थे। उसके ठीक 4 साल के बाद कर्नाटका स्टेट कैपिटल बेंगलोर से 56 किलोमीटर दूर चिक्काबल्लापुर हिल्स में भगवान शिव जी के 112 फीट हाइट आदि योगी सेकेंड स्टैचू स्थापित किए। 2023 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कर्नाटका सीएम एंड सदगुरु सेकेंड ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड द लार्जेस्ट बास्ट कल्पचर आदि योगी एक खूबसूरत शिवा स्टैचू इनोग्रेट किए। जय शिवा शंभू, वेलकम टू बैंगलोर आदि योगी ईशा फाउंडेशन। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा आदि योगी बैंगलोर ईशा फाउंडेशन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, फूडिंग फैसिलिटी, टाइमिंग्स, ऑल एवरीथिंग। हैशटैग ईशा फाउंडेशन, हैशटैग आदि योगी, हैशटैग ईशा फाउंडेशन बैंगलोर वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड सौरभ राज और आप देख रहे हो राइड राइडर्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। बैंगलोर मेन सिटी से ईशा फाउंडेशन बैंगलोर डिस्टेंस है अप्रोक्स 70 किलोमीटर एंड बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिस्टेंस है ओनली 52 किलोमीटर। एयरपोर्ट से ईशा फाउंडेशन के लिए डायरेक्ट बस सर्विस चालू नहीं हुआ है, बट बहुत जल्द ईशा फाउंडेशन का बसेस एयरपोर्ट से अवेलेबल हो जाएगा। आप बैंगलोर सिटी से ईशा फाउंडेशन ओला उबेर कैब बुक करके या फिर पर्सनल कार और बाइक लेके भी आप पहुँच सकते हो। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके बाई बस बजट में ईशा फाउंडेशन बैंगलोर ट्रेवल करना चाहते हो, आपको पहले बैंगलोर का मैजेस्टिक बस स्टैंड से 62 किलोमीटर दूर चिक्काबल्लापुर के लिए बस लेना है। चिक्काबल्लापुर के लिए बसेस एवरी 40 मिनट में अवेलेबल होता है। चिक्काबल्लापुर पहुंचने के बाद चिक्काबल्लापुर बस स्टैंड से पर पर्सन 20 रुपए देके ईशा फाउंडेशन के लिए डायरेक्ट बस अवेलेबल है। अगर आपको बस ना मिले 200 रुपीज देके एक ऑटो रिजर्व करके चिक्काबल्लापुर बस स्टैंड से 11 किलोमीटर दूर आदि योगी ईशा फाउंडेशन ट्रेवल कर सकते हो। मैं बैंगलोर का आतिबेले एरिया से मेरे बड़े भैया के साथ पर्सनल बाइक में ईशा फाउंडेशन आदि योगी ट्रैवल किए थे। आतिबेले एरिया से ईशा फाउंडेशन का डिस्टेंस है अप्रोक्स 100 किलोमीटर। हम लोग 2 घंटे में ईशा फाउंडेशन पहुंच गए थे। ईशा फाउंडेशन पहुंचने से पहले 5 किलोमीटर पहले से नेचर का खूबसूरत व्यू मिलना स्टार्ट हो जाता है। बैंगलोर हैदराबाद मेन हाईवे से हम लोग अप्रोक्स 2 किलोमीटर अंदर आया। 2 किलोमीटर अंदर आने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू, ये खूबसूरत सा एक झील, झील का पीछे खूबसूरत सा पहाड़। आप लोग बैंगलोर घूमने के लिए आओगे ना तो आप ये प्लेस एक बार जरूर विजिट कीजिए। बैंगलोर हैदराबाद हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड रास्ते के ऊपर आपको एक ईशा फाउंडेशन का गेट दिखेगा। ये है बैंगलोर ईशा फाउंडेशन मेन एंट्री गेट, देखिए कितना खूबसूरत है और गेट का पीछे है खूबसूरत सा पहाड़। ये मेन गेट से ईशा फाउंडेशन जो मेन जो टेंपल है, जो आदि योगी जो शिव है, वो शिव प्रतिमा शिव मूर्ति का डिस्टेंस है अप्रोक्स 2.3 किलोमीटर। चलिए अभी हम लोगों को और नेक्स्ट जो आगे जो हिल्स दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो हम लोगों को क्रॉस करना है। बैंगलोर ईशा फाउंडेशन न्यू रोड कंस्ट्रक्शन का काम अभी चालू है। आई होप जब आप ईशा फाउंडेशन आओगे तब ये रोड पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इधर नेचर इतना खूबसूरत है,
हम लोग बीच रास्ते में दो तीन बार रोक के पीक वीडियो लेने लगा। कुछ दूर चलते ही 1 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगा वो खूबसूरत फेमस शिव जी का स्टैचू। हम लोग स्टैचू का जितना क्लोज जा रहे थे रास्ते का दोनों साइड खाने पीने का दुकान और कुछ गिफ्ट आइटम का दुकान दिखाई देने लगा, बट ये दुकान बहुत ही कम है। इधर बाइक पार्किंग चार्जेस है 20 रुपीस, कार पार्किंग चार्जेस है 50 रुपीस एंड बस वैन पार्किंग चार्जेस है 100 रुपीस। पार्किंग का सामने है ईसा फाउंडेशन शिवा स्टैचू के पास जाने का रास्ता एंड रास्ते का राइट साइड में है एक वेज रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नेम चंद्रमुखी। इधर आप नूडल्स, चाय, कॉफी, इडली, डोसा, सांबर, ब्रेकफास्ट, लंच कर सकते हो। यहाँ जितना भी फूड स्टॉल है, आपको अगर कोकोनट वाटर पीना है या फिर आप आइसक्रीम, फ्रूट कुछ भी लेना चाहते हो, आपको पहले वो काउंटर से आपको टोकन कलेक्ट करना है। टोकन कलेक्ट करने के बाद ही आप इधर से अपना फ्रूट या फिर ड्रिंक्स ले सकते हो। रेस्टोरेंट से थोड़ा आगे चलते ही लेफ्ट हैंड साइड में है शू स्टैंड। शू रखने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। शू रखने के बाद एंट्री गेट का लेफ्ट हैंड साइड में है प्रसादम काउंटर। आप इधर 50 रुपीज, 100 रुपीज दे के प्रसादम परचेस कर सकते हो। प्रसादम काउंटर से थोड़ा आगे मेन एंट्री गेट नागा श्राइन एंड सूर्या कुंड। आप इधर पूजा दे सकते हो और चाहो तो इधर ध्यान योगा कर सकते हो। ये है नागा श्राइन सूर्याकुंड का पीछे का व्यू। सूर्याकुंड बिल्डिंग के अंदर से आपको मेन कैंपस के अंदर एंट्री करना है। वो दूर दिखाई दे रहा है शिवा स्टैचू। आपको अभी 200 मीटर पैदल चलना है एंड ये कैंपस से चारों साइड 360 व्यू देखो कितना खूबसूरत है। ये पैदल चलने वाला रोड पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है, बट आप जब इधर आओगे तब ये रोड पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। पैदल चल के अभी हम लोग पहुंच गए मेन स्टैचू के पास। मेन स्टैचू के नीचे है एक बिल्डिंग। लेफ्ट साइड बैरिकेड के अंदर से आप ये बिल्डिंग के अंदर जा सकते हो और इधर भी आप प्रसादम परचेस कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है ये बिल्डिंग। बिल्डिंग का एकदम मिडिल पॉइंट में है एक शिवलिंग। शिवलिंग के चारों साइड में है नाग देवता और बिल्डिंग के अंदर है सप्तऋषि स्टैचू। पुराणों के अनुसार ये सप्तऋषि भगवान शिव जी से मोक्ष पाने का 112 योग उपाय ज्ञान लाभ हुआ था। सदगुरु योगी वासुदेव एक खूबसूरत स्टैचू डिजाइन किया था। स्टैचू टेल 112 फीट लॉन्ग, 147 फीट एंड वाइट 82 फीट। स्टील से बना इस स्टैचू का वेट है अराउंड 500 टन्स।
बहुत ही खूबसूरत है ये भगवान शिव जी का योग स्टैचू। भगवान शिव जी के गले में है रुद्राक्ष के ओरिजिनल माला। शाम को 7 बजे लाइट एंड साउंड शो बहुत ही खूबसूरत होता है। आप चाहो तो लाइट एंड साउंड शो अटेंड कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टैचू ग्राउंड के अंदर आने के लिए भी आपको कोई एंट्री फी नहीं देना है एंड ग्राउंड एंट्री टाइम है मॉर्निंग 6 AM to 8 PM। स्टैचू के नीचे लेफ्ट साइड में है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एंड पार्किंग एरिया में है वॉशरूम फैसिलिटी। और आज मैं आदियोगी बैंगलोर एक्सप्लोर करने के लिए अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरा दादा आया है, उनका बाइक में मैं आया हूँ और दादा इधर बैंगलोर में ही रहता है। हेलो एवरीवन, आई जस्ट केम टुडे, व्हाट आई जस्ट लाइक टू टेल यू, इट्स अ वंडरफुल प्लेस, इट्स स्टिल कंस्ट्रक्टिंग, इट्स अ वेरी nice place and it's very close to nature. You can see it's surrounded by, you know, all the mountains in the four side, and in middle of that there is a Shiva statue which you can see. So please come if you are staying near to Bangalore or maybe, you know, just in border of Bangalore or Hyderabad or Andhra Pradesh. Nice place, you will love the, you know, the ambience, the surroundings. Please come. I am coming from Attibele. It's almost 100 kilometers and it took us around 2.5 hours. But if you are staying inside the city, it will probably take you 1.5 or 2 hours. So I'm sure you can get here. बहुत ही खूबसूरत है आदियोगी बैंगलोर। आप अगर बैंगलोर टूर में आ रहे हो या फिर आप अगर बैंगलोर का आसपास रहते हो तो आप एक बार बैंगलोर आदियोगी एक बार जरूर विजिट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए आप लोग। बैंगलोर ईसा फाउंडेशन वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आदियोगी ईसा फाउंडेशन बैंगलोर अभी नाइट स्टे करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग बैंगलोर सिटी में नाइट स्टे कर सकते हो या फिर चिक्का बल्लापुर स्टैंड में कुछ होटल अवेलेबल है, उधर आप नाइट स्टे कर सकते हो।